हेलो एवरीबडी वेलकम टू ममता मेदी क्लासेस आई एम वंस अगेन वेलकम यू इन माय न्यू वीडियो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर सिक्स दिस चैप्टर इज फ्रॉम प्रोज ओके एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज जूलियस सीजर ओके जूलियस सीजर इज अ स्टोरी ऑफ अ वरियर ओके वरियर ऑफ रोम तो जूलियस सीजर जो था वो एक रोम का एक ग्रेट वरियर था योद्धा था तो उसके बारे में ये स्टोरी है First of all we will discuss the main characters because there are so many characters in this story so we will discuss character if we will talk about characters julius caesar julius caesar is a main character of this story okay so this is a main character of the story main character Okay There is a best friend of Julius Caesar best friend Okay the name of his best friend was Brutus Okay There is another friend of Julius Caesar the name of that friend is Mark Antony Mark

ओके okay. जिस पर जूलियस सीजर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस जो है वो भी जूलियस फ्रेंड है ओके okay. अब सीजर की वाइफ है ठीक है तो उसकी वाइफ का नाम है केलपर्निया केल पर केल तो ये उसकी वाइफ का नेम है केलपर्निया हमें ये जो नेम लर्न करने बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे करेक्टर हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है ओके okay. अब देखिए जो ब्रूटस उस ये जो ब्रूटस है ना इसका फ्रेंड तो उसका एक आ, है ब्रदर इन लॉ ठीक है इसका एक ब्रदर इन लॉ है जिसको जीजा बोलते हैं ना ब्रदर इन लॉ तो इसका एक जीजा है उसका नाम है कैशियस उसका नाम है कैशियस ओके okay. तो ये कैशियस जो है वो ब्रूटस का ब्रदर इन लॉ है अब कैशियस के और भी टू फ्रेंड हैं, ठीक है कैशियस के टू फ्रेंड हैं। एक का नाम है डैशियस ठीक है और दूसरे का नाम है कैस का ये दो और फ्रेंड हैं कैशियस के ठीक है आप देखिए ये जो मेंबर है ये जो तीनों मेंबर जो हैं ये बिलोंग करते हैं रोमन पार्टी से ओके रोमन पार्टी से जो कि ये जो रोमन पार्टी के जो मेंबर हैं तो ये जूलियस सीजर के अगेंस्ट हैं ओके ये जो मेंबर हैं वो इसके अगेंस्ट हैं तो ये क्या करते हैं जो कैशियस है वो ब्रूटस का सहारा लेकर एक प्लान बनाते हैं ठीक है जिसमें जूले सीजर को मार दिया जाता है क्योंकि ये नहीं चाहते ये जो मेंबर है ना ये जो रोमन पार्टी के मेंबर हैं तो ये नहीं चाहते कि जो जूले सीजर है वो वहां का किंग बने ओके तो ये इसको मार देते हैं बाद में फिर जो मार्क एंटनी और अक्टेविस जो हैं, ये दोनों मिलकर से और जो है ना, इससे मिलकर वो बदला लेते हैं इसकी डेथ का जुलियस सीजर की ठीक है तो अब हम स्टोरी को रीड करेंगे ये थे हमारे मेन कैरेक्टर्स ओके वी विल स्टार्ट टू रीड द चैप्टर एज जूलियस सीजर रिटर्न होम विक्टोरियस फ्रॉम प्रोलोंग्ड बैटल प्रोलोंग्ड होता है पीरियड ऑफ लोंग टाइम तो जो रोमन है ठीक है ये रोम, रोम की स्टोरी है तो होता क्या है कि जूलियस सीजर जो है वो एक लंबे बैटल के बाद वापिस आता है अपने देश में एंड द रोम चेयर हिम विद व और जो रोमन पीपल है वो उसका जो उत्साह के साथ उसका स्वागत करते हैं हाव एवर अ फ्यू मेम्बर ऑफ द सैनेट लेड बाई ब्रूटस किल हिम इन ब्रॉड डे लाइट ऑन द प्रिसेप्ट दैट इज ग्रोइंग पावर एंड एम्बिशियन वो झाम रोम और होता क्या है कि कुछ मेंबर जो है सीनेट लेट सीनेट पार्टी के जो है वो ब्रूटस के साथ मिलकर दिन दिहाड़े जो जूलियस सीजर है उसको मार देते हैं क्योंकि उन्हें उसकी ग्रोइंग पावर और जो उसकी एम्बिशियन है जो जूलियस सीजर है ना तो वो एम्बिशियस भी है ठीक है तो उसकी पावर डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो उसके चलते वो उसे जेलेस फील करते हैं और वो उसको मार देते हैं एंड द सपोर्टर्स ऑफ सीजर वेज अ ईयर लॉन्ग वार ऑन द कॉन्स्पिरेटर्स कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं षड्यंत्रकारी जो प्लान करते हैं ओके फाइनली लीडिंग टू देयर डेथ तो क्या होता है कि जो सीजर के सपोर्टर्स हैं वो एक साल तक युद्ध जारी रखते हैं और जो उसके कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं षड्यंत्र कर, करता जो लोग हैं उनको वो फाइनली जो है वो पनिश करते हैं ओके सो वी विल स्टार्ट टू रीड द चैप्टर टू थाउजेंड ईयर्स अगो दे लिव्ड इन रोम अ ग्रेट सोल्जर एंड अ लीडर जूलियस सीजर फेमस ऑल ओवर यूरोप एज अ कॉन्करर एंड एडमायर बाय हिज पीपल एज नेशनल हीरो तो लगभग टू थाउजेंड ईयर्स दो हजार साल पहले की बात है कि रोम में एक ग्रेट सोल्जर था जो एक लीडर भी था उसका नाम जूलियस सीजर था और वो पूरे यूरोप में एज अ कंकरर एक विजेता के रूप में फेमस था एंड एडमायर बाय द पीपल एज अ नेशनल हीरो और सारे जो लोग थे उसे एज अ नेशनल हीरो मानते थे लिविंग इन रोम एट दैट टाइम वाज अ मैन नेम ब्रूटस अ ब्रेव मैन हु हैड हाई एंड नोबल मॉडल्स एंड वो सीजर्स डियरेस्ट फ्रेंड और उस टाइम में रोम में एक और जो था वो आदमी रहता था ब्रेव जिस जिसके जो हाई मॉरल वैल्यूज थी तो वो सीजर का डियरेस्ट फ्रेंड था ब्रूटस वॉच हिज ग्रोइंग एम्बिशन विद ग्रेट एन एक्साइटी एंड वो ट्रबल विद हिज सेल्फ इम्पोर्टेंस अब जो ब्रूटस जो था वो है तो सीजर का बेस्ट फ्रेंड था लेकिन जो सीजर का जो नेचर था वो थोड़ा एम्बिशियस नेचर था उसका है ना महत्वाकांक्षी था तो जो ब्रूटस था उसके ग्रोइंग एम्बिशियन जो नेचर था तो उसको देख वो काफी ज्यादा परेशान था और आ, उसकी जो सेल्फ इम्पोर्टेंस थी जो जूलियस सीजर की तो उसको देखकर भी बहुत ज्यादा वो परेशान रहता था ओके एंड डन क्या होता है ब्रूटस एंड हिज ब्रदर इन लॉ अब ब्रूटर जो ब्रूटस जो है और उसका जो ब्रदर इन लॉ कैशियस है Suspected that Caesar might be offered the the crown at the national game as there would be thousands of people there. अब देखिए जैसे आज के टाइम में इलेक्शंस होते हैं तो रोम में नेशनल गेम्स होती थी और जो उनका विनर होता था फिर उसको जो उस टाइम का जो किंग था वो क्राउन ऑफर करता था और उसको किंग बना दिया जाता था है ना तो अब जो कैशियस है और जो ब्रूटस है ठीक है उन दोनों को डाउट है कि इस बार भी शायद सीजर को क्राउन ऑफर किया जाए नेशनल गेम में ठीक है वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल होते हैं अ मेंबर ऑफ रोमन पार्टी विश सीजर टू मेड अ किंग एंड ही हैड बीन सेंड बाय हिज कंपेनियंस टू टू ब्रूटस जॉइन एंड बिकम द लीडर तो आ, जो कैशियस है है ना तो वो रोमन पार्टी से बिलोंग करता है और वह नहीं चाहता कि सीजर को किंग बनाया जाए तो उसके जो कंपेनियन है उसे भेजते हैं ब्रूटस को परसुएट करने के लिए मनाने के लिए ताकि वो आ, उनकी पार्टी को ज्वाइन कर ले और उनका लीडर बन जाए सो स्टार्टेड टू पॉइजन ब्रूटस माइंड अगेन पॉइजन होता है जहर भरना तो इस तरह से जो कैश है वो ब्रूटस के माइंड में जहर भरना शुरू कर देता है अब वो क्या कहता है वाई शुड ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट आई वॉज बोर्न एज फ्री एज सीजर सो वर यू जो कैशियस कहता है ब्रूटस से कि वो ब्रूटस ऐसा जो सीजर है वो ऐसा क्यों समझता है अपने आप को इतना ग्रेट क्यों समझता है हमारा जन्म भी उसकी तरह ही हुआ है फ्री एज अ फ्री नेश एक सिटीजन की तरह सो सोवर यू जैसे कि वो है वी बोथ हैव फेड एज वेल और हमारा जो पालन पोषण भी एक तरह हुआ है एंड वी कैन बोथ एंडोर द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही और हमने सर्दी जो है वो भी बियर की है उसकी तरह बट दिस मैन इज नाउ बिकम लेकिन ये आदमी भगवान बन गया है तो इतना सुनकर जो ब्रूटस है वो आंसर करता है की हाँ मैं भी इन चीजों के बारे में सोचता हूँ ही टोल डैम दैट मार्क एंटनी अब वो बताता है कि जो मार्क एंटनी है ठीक है मार्क एंटनी है कौन अनदर फेमस सोल्जर एंड फ्रेंड ऑफ सीजर ये हम डिस्कस कर चुके हैं हैड ऑफर द क्राउन थ्री टाइम टू सीजर और वो बताता है कि जो मार्क एंटनी जो है है ना तो वो सीजर uh, को थ्री टाइम पहले भी क्राउन ऑफर कर चुका है एवरी टाइम सीजर हैड रिफ्यूज और हर बार सीजर ने उसे रिफ्यूज कर दिया उस क्राउन को बट ईच टाइम ही हैड बिन स्लोएस्ट इन द रिफ्यूजल लेकिन जब भी वो मतलब उसको मना करता था रिफ्यूज़ करता था तो उसकी जो रिफ्यूजल थी वो थोड़ी स्लोअर थी ठीक है जैसे क्या होता है कि अगर हम किसी घर में जाते हैं तो कोई हमें चाय के लिए पूछता है ना कुछ खाने के लिए तो हम बोलते नहीं कोई ज़रूरत नहीं हम नहीं खाएंगे है ना फिर दूसरी बार भी हम मना करते हैं लेकिन अगर वो दो तीन बार पूछे तो हम क्या करते हैं हमारी जो वॉयस स्टोन है वो स्लो होती चलती है तो इसी तरह से ब्रूटस कहता है कि हाँ जो सीजर को थ्री टाइम उसने रिफ्यूज कर दिया लेकिन हर बार जो उसकी रिफ्यूजल थी थोड़ी स्लो थी कैसका वो सर्टेन दैट इफ सीजर वर ऑफर्ड द क्राउन अगेन ही वुड एक्सेप्ट अब जो कैसका है उसको ये डाउट है कि इस बार अगर सीजर को क्राउन ऑफर किया गया तो वो श्योरली उसको एक्सेप्ट कर लेगा ब्रूटस वेंट होम ग्रेटली डिस्टर्ब इन माइंड अब ये सब कुछ सुनकर ब्रूटस अपने घर में आता है और वो बिल्कुल डिस्टर्ब है उड नेचर एंड एम्बीशियस ग्रीड ये सब सोचकर हैरान होता है, कि Caesar का जो नेचर है और जो उसकी एम्बिशियस ग्रीड है लालच है तो उसको क्योर कैसे किया जाए उसका समाधान कैसे किया जाए इट मस्ट बी बाई हिज डेथ ही एट लास्ट डिसाइडेड सैडली और अंत में वो सैडली ये डिसाइड करता है की इन सबको सिर्फ उसके डेथ से ही क्योर किया जा सकता है और वो अपने आप से कहता है कि कि हम नहीं जानते कि अगर सीज़र को एक्चुअल पावर मिल जाती है, अगर वो किंग बन जाता है तो वो कैसे बिहेव करेगा है ना इन द मिडल ऑफ द नाइट कैशियन डैशियस ऑफ देयर पार्टी केम सीक्री टू सी ब्रूटस अब उन सब ने क्या किया जो ब्रूटस था उसको पॉइजन कर दिया ना उसको जहर भर दिया उसके दिमाग में अब आधी रात को कैशियस कैसका Cache और जो डैशियस हैं जो कि उसी पार्टी के मेंबर हैं तो वो ब्रूटस के घर में सीक्रेटली आते हैं उसको देखने के लिए टुगेदर दे डिस्कस देयर प्लान और फिर वो प्लान डिस्कस करते हैं योजना बनाते हैं सीजर वॉज टू बी किल्ड द नेक्स्ट डे एट द कैपिटल द टाउन हॉल वेयर ही वॉज गोइंग टू मेक अ स्पीच टू द People. अब वो ये प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट डे कैपिटल में जो कि टाउन हॉल है वहां का ठीक है एक मार्केट प्लेस है तो वहां पे उसको स्पीच देने जाना है सीजर को तो वहां पे वो सब उस मिलकर उसको मार देंगे दे वॉन्टेड टू कल किल मार्क एंटनी टू बट ब्रूटस परमिट दिस वो मार्क एंटनी को भी मारना चाहते हैं ठीक है लेकिन जो ब्रूटस है इसकी परमिशन नहीं देता है

ग्रेट अर्जेंसी में जल्दी जल्दी बोलते हैं आई विश वी कुर सीजर एम्बिशन विदाउट किलिंग हिम बट आई डाउट इफ दैट इज इफ दैट इज पॉसिबल सो सीजर मस्ट डाई अब वो, वो, क्या कह, वो क्या कहता है कि अब मैं चाहता था कि मैं सीजर के एम्बीशन को उसको मारे बिना ही खत्म कर सकूं। बट मुझे डाउट है कि ये पॉसिबल नहीं है सो so सीजर को मरना होगा बट फ्रेंड्स लेटर्स किल हिम ब्रेवली नॉट एंगरली लेकिन मित्रों हम उसे मारेंगे ब्रेवली ना कि गुस्से से ओके वी मस्ट हैव नो बिटरनेस इन सो इट डिसाइडेड दैट ओनली सीजर डाई अब ब्रूटस कहता है कि हमारे मन में उसके प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए तो इसलिए डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट डे सीजर को मार दिया जाएगा ओके okay? तो आज के लिए हम इतना ही रीड करेंगे नेक्स्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय